सब अपनी अपनी कहानी कहते हैं, लेकिन गांव की कहानी कोई नहीं कहता। हमारे गांव हमारे जीवन शैली का हिस्सा है। अतीत पलटकर देखिए तो आपकी जड़ें किसी न किसी गांव में ही आपको नजर आएंगी। ऐसे ही गांवों को लेकर है समर्पित हमारी ये नई सीरीज मेरा गांव। अगर आपका भी कोई ऐसा गांव है और आप भी चाहते हैं उस पर कोई वीडियो बनाया जाए तो आप हमसे संपर्क करें, ईमेल के माध्यम से अपनी जानकारी दें, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपके गांव पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और इस गांव में लगभग मेरी 7वीं पीढ़ी है, मैं 7वीं पीढ़ी में हूँ इतनी मुझे याद है। और हमारा जो गांव है सैन्य द्वार, ये इसका नाम जो सैन्य द्वार पड़ा है, यहाँ महाभारत टाइम के टाइम में यहाँ सैन्य का जो पड़ाव था, जो जैसे ये पांडव कौरवों की लड़ाई के टाइम में यहाँ सैन्य द्वार में इनका जो ये हमारे हसनापुर से जो सेना आके पड़ाव पड़ा था, तो यहाँ इसलिए इस गांव का नाम सैन्य द्वार पड़ा। और अब जो है वर्तमान में इसका जो यहाँ सैन्य द्वार का जो विकास हुआ है, हमारे गांव का मंदिर का विकास हुआ है, यहाँ हमारे गुरुजी रहते हैं जो श्री महंत श्री राम गोपाल दास जी हैं, उन्होंने इसी गाँव का काफ़ी विकास जो सारा विकास जो है उन्हीं के समय में यहाँ पे हुआ है। और गाँव वालों का जो सहयोग रहता है उनसे गुरुजी द्वारा जो उन्हें प्रेरित करते हैं कि भाई आप ऐसे करवाओ ऐसे करवाओ, तो लोगों का बहुत रुझान है, आस्था है मंदिर की ओर। और इस गाँव में पीने के लिए पानी की व्यवस्था टंकी है जिससे कि लोगों को कोई बीमारी ना हो, अच्छे पानी की व्यवस्था है। और हमारे गाँव में बैंक की व्यवस्था भी है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता। और शिक्षा के लिए यहाँ पर 3 विद्यालय हैं, जो 1 से 5वीं तक के लिए 2 विद्यालय हैं और 6 से लेकर 8वीं तक के लिए 1 विद्यालय है, जिसमें अच्छे से सभी के बच्चे पढ़ते हैं। और कुछ बच्चे जो हैं बाहर बड़े स्कूलों में जाते हैं। शिक्षा के मामले में हमारा गांव जो है पहले से ही, जब सैन द्वार में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो सबसे पहले यहाँ हमारे एक परिवार को पोस्तियों का परिवार कहते हैं, उसमें नरेंद्र प्रताप सिंह सबसे पहले IAS बने थे, जो कि हमारे इस ज़िले की एक नाक भी हैं और वरिष्ठ IASO में उनको गिना जाता है। आज भी वो देहरादून में रहते हैं, रिटायर हो गए हैं। और जिला इसके तुम्हारे ये जो हमारा रोजगार मंत्रालय होता है उसके महासचिव से रिटायर हुए हैं। और काफ़ी उन्होंने इस गांव को दिया है। एक गाँव में नवोदय विद्यालय, जो ज़िले में एक विद्यालय होता है, वो भी इसी गांव में है।
और वो उन्हीं की देन है, उनके उससे प्रेरणा से यहाँ बनाया गया था। और हमारे गांव की, हमारे गांव की जो आबादी है वो 3,500 के लगभग है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो राजपूत लोग हैं, और अन्य भी हैं जैसे हरिजन हैं, कश्यप हैं, और पाल लोग हैं, और कुछ मोमडन भाई भी हैं, जो कि सब लोग जो हैं इस गांव के भाईचारा से रहते हैं और बड़े अच्छी तरह से रहते हैं। फसलें कौन कौन सी? फसलें यहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ना बोया जाता है, उसके बाद गेहूँ, और ये जो मुंजी और सरसों भी बोई जाती है। अच्छा विकास है यहाँ फसलों के, उसले में भी स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे एक आयुर्वेदिक अस्पताल है, पास में ही हमारे शहर है चांदपुर, इसमें बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, सभी तरह की सुविधा है। स्वतंत्रता सेनानी थे यहाँ पर 4, जो कि अब इस समय वर्तमान में नहीं है, उनका देहांत हो गया है। इंजीनियर यहाँ काफ़ी बच्चे हैं, और यहाँ नायब तहसीलदार भी रहे हैं, और इस बिजली विभाग में हैं, विद्युत विभाग में लखनऊ में अतुल चौहान, जो काफ़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, और यहाँ के रेलवे में हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं धर्मेश कुमार चौहान, और काफ़ी लोग हैं कि गिनवा नहीं सकते कि शिक्षा में और नौकरी में, और इस गांव की जो विशेषता रही है टीचर लाइन में सबसे ज़्यादा इस गाँव में थे, और आज के बच्चे भी अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं। ये हमारा गाँव जो है क्षेत्र में सबसे खुशहाल गांव है। हाँ, ये 5,000 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है, क्योंकि 1777 में जो है 7 तारीख की 7वां महीना था, और 77 का उस दिन जो है एक बच्चा यहाँ पर जो है मतलब पशु बांधने के लिए खुट्टा गाड़ रहा था, तो उसी समय जो है उसने, बरसात का समय था, तो उसने रेत को जो है, यहाँ रेत का टीला होने के कारण रेत जो है हाथ से हटाया, जब हाथ से हटाया तो उसे जो है पंचमुखा दीपक, उससे उसका हाथ टकराया। फिर उसने जो और नीचे को खोदा तो जो महाभारत कालीन 5,000 वर्ष पुरानी शिवजी महाराज की स्वयंभू मूर्ति जो है वो प्रकट हुई, उसके साथ बहुत सी अनेक मूर्तियाँ भी निकली, और उसी दिन से जो है यह स्थान जो है 5,000 वर्ष पुराना है, परंतु फिर जो है इसका जीर्ण उद्धार जो है, इसका जो विकास जो हुआ, तो इसमें जो है शिव जी का मंदिर है, राम जी की भव्य प्रतिमा है, और इसी के साथ जो है सभी देवता जैसे गायत्री शक्तिपीठ, दुर्गा शक्तिपीठ, हनुमान जी के हनुमान मंदिर, और जो है लक्ष्मी नारायण मंदिर, जहारवीर मंदिर, तथा यहाँ पर जो है ये सभी देवता के स्थान हैं, इसीलिए इस स्थान का नाम जो है प्राचीन कालीन देवता का स्थान भी है, इसलिए इसका नाम जो है देवलोक आश्रम रखा गया, और इसी देवलोक आश्रम से जुड़ा हुआ जो है मतलब परिचय है कि यहाँ पर जो है इस बस्ती का नाम भी सैन्य द्वार मतलब द्रोणाचार्य के जो थे, जो सेनापति थे, उनकी एक छावनी इस स्थान पर जो है इस सैनद्वार में निवास करती थी। यहीं से जो है, और जो हमारा ये गंगा क्षेत्र है, इसका जो मार्गदर्शन संचालन और द्रोणाचार्य के द्वारा जो है वो किया जाता था, क्योंकि यहाँ से काशीपुर में भी एक द्रोणाचार्य का आश्रम है, और यहाँ पर भी जो है गाँव में जो है और दक्षिण और पूर्व जो है एक द्रोण सागर नाम से जो है और बहुत पुराना कागजी जो है और स्थान है, मतलब द्रोण सागर है, इसी से जुड़ा हुआ एक जो है जहाँ पर जो है और खेलते खेलते जो है गेंद जो है कुएं में जा पड़ी थी, और उसको जो है तीर पर तीर बांध कर जो है और अर्जुन ने निकाला था, वो कुआं, उस कुएं में जो है एक विशाल पीपल का वृक्ष है, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे जो है
ये समझो कि 2021 में जो है वहाँ पर भव्य शनिदेव का मंदिर का निर्माण हुआ है, वहाँ पर शनिदेव शनिधाम है। तथा इस तरीके से जो है ये स्थान महाभारत कालीन 5000 वर्ष पुराना है, ऐसे इसके प्रमाण मिलते हैं, इसके साक्ष्य हैं, क्योंकि इस बस्ती का नाम भी, इस गांव का नाम भी सैन्य द्वार से ब्रह्मस होकर सैन्य द्वार हो गया। तो इस तरीके से इसका प्राचीन स्थान है, कभी यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण भी आए होंगे। तथा यहाँ पर जो है महाभारत कालीन हस्तिनापुर के सेनापति की एक छावनी की टुकड़ी जो है यहाँ पर रहती थी, इसी से जो है उस पदभ्रंश होकर जो है उसका गांव का नाम सैन्य द्वार पड़ा है। तो यही इस गांव का जो है विशेष स्थान है। तथा और जो है सन 88 से पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, 88 से मतलब एक शिवजी का स्थान था, पर भक्तों के सहयोग, गांव के प्रसाद सहयोग से जो है तथा क्षेत्रवासियों के सहयोग से ये स्थान जो है भव्यता को प्रदान हुआ है। इसमें थोड़ा बहुत हमारा भी प्रसाद है। तथा इसी तरीके से यहाँ पर जो है इस वर्ष में दो विशेष महा कार्यक्रम होते हैं, एक रामनवमी का भव्य आयोजन किया जाता है, एक गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन किया जाता है। विशेष रोज नित्य प्रति भी श्रद्धालु जो है भगवान का दर्शन करने के लिए, पूजन अर्चन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और यही जो है यहाँ से जो है समाज को अच्छी शिक्षा मिले, भगवान के प्रति उनका लगाव हो, भगवान के प्रति उनकी निष्ठा बने, स्वयं धर्म के रास्ते पर चलें। हमारी ऐसी प्रेरणा होती है कि स्वयं धर्म के रास्ते पर चलते हुए जो है अपने जीवन को भगवतमय जीवन व्यतीत करें, इसी में मानव मात्र का कल्याण है। इन्हीं यही यहाँ की जो है विशेषता है। ये काफ़ी बहुत पुराना गांव सैन द्वार है। वैसे इसका नाम सेना का द्वार था और इसका शुद्धिकरण करके सैन द्वार किया गया है। यहाँ पे एक जो मंदिर का खोज हुई है, वो मंदिर की खोज भी एक काफ़ी ऊंचे चट्टान के ऊपर हुई है। और वहाँ पे पशु चराते समय जो है खोद देते हैं, उसी के उससे जो है ये मंदिर सेना का द्वार पे जो मंदिर है वो खेड़े पे निकला हुआ है। ये महाभारत काल का है, महाभारत काल का ही जो है द्रोणाचार्य का यहाँ आश्रम है ये। और द्रोणाचार्य के इससे ही यहाँ पे एक अपने वो है क्या नाम है, हाँ द्रोण सरोवर भी है। उसी पुराने स्थान अभी यहाँ पे जो कुछ चीज़ ऐसी हैं कि जो पुराने उस खुदान के टाइम में यहाँ पे निकली हुई हैं, वे चीज़ आज भी उपस्थित रखी हुई है मंदिर पे। ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत काफ़ी बुजुर्गों के टाइम से बहुत पुराना और बहुत गांव एक ऐसा गांव है कि सफाई के अभियान में भी आज सबसे नंबर वन पे है। रोड के मामले में सैनबार में एक से कहीं भी चले जाओ ऐसा रोड भी नहीं मिलने की सैनबार जैसी। शिक्षा के मामले में हमारा गाँव कम से कम 80% आदमी रोज सारे के सारे सरकारी नौकर हैं। आज की तारीख में शिक्षा इतनी है कि हमारे यहाँ तो कोई आदमी ऐसा हो जो भी शिक्षा से दूर हो। कितनी आबादी होगी? हमारे यहाँ 3500 के करीब आबादी है। कौन कौन बिरादरी रहती है? हमारे यहाँ राजपूत हैं, कुछ वाल्मीकि हैं, कुछ हरिजन हैं, कुछ पाल छत्री हैं, यही बस कौम है। और कोई हमारे यहाँ कोई कौम नहीं है।